गाइज ये है ऑल न्यू 2024 टाटा कर्व का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। 11,70,000 रुपये में आपको ये पेट्रोल के अंदर मिल जाएगा प्योर एस प्लस। और अगर आपको चाहिए डीजल में तो आपको 1-1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे डीजल वाले वर्जन के लिए। इसके अंदर क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में, और क्या मैंने ऐसे फीचर्स इसके अंदर देखे जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है वैल्यू फॉर मनी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं डिटेल वॉक अराउंड। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट डिज़ाइन से ही। यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस टाइप से ग्रिल मिल रही है, टाटा का लोगो है, यहाँ पर इस टाइप से बम्पर है पूरा कंप्लीट ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे लाइट का सेटअप, तो ये टर्न इंडिकेटर है, इधर आपके पास में एलईडी में हेडलैम्प्स दिए गए हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं है और ना ही कोई फॉग लैंप यहाँ पर आपको मिलता है। ये आप देख सकते हैं DRL है जो कि टर्न इंडिकेटर में इधर कन्वर्ट हुई है, दैट्स इट। अब आते हैं साइड में, तो साइड में अगेन कूपे डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लगता है, मज़ा आता है इसको देखने में। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायरिश व्हील आर्च 360 क्लैडिंग जो है वो आपको मिलती है। ये 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, 215/60 R17 टायर है ये, हाइपर स्टाइल्ड अलॉय व्हील जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अंदर स्टील रिम है बट ऊपर आप लोगों को इस टाइप का व्हील कैप मिल जाता है जिससे लगता है कि ये अलॉयड व्हील है। फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक इसके अंदर मिलते हैं और रियर में आप लोगों को यहाँ पर ड्रम ब्रेक जो है वो दिए गए हैं। अब इस वेरिएंट में और क्या फीचर्स मिलते हैं, तो देखो कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में ये ORV में, ये वही सेटअप है जो हैरियर सफारी में अपन यूज़ कर रहे थे पहले वाला। ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल और एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में। और यहाँ पर आप लोगों के पास में ये लाइट भी मिल जाती है, मैं एक बार की बाहर कर देता हूँ, लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, लाइट्स ऑफ ऑन रहने देता हूँ, एक मिनट पीछे से पहले एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो तो पीछे से कुछ इस टाइप से ही दिखाई दे रही है, ये बैक लाइट कनेक्टेड नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और ये कर्व लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाइट कलर की लाइट मिल रही है, पीछे सेंसर है और यहाँ पे आपको कैमरा भी मिल जाता है, दैट्स इट। ये कर्व लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटर आप देख रहे हैं। अब इसको बंद करते हैं और मैं आपको की निकाल के बता देता हूँ, ये जो वेलकम लाइट है या आप इसको बोल सकते हो की, ऐसे आपको निकालनी पड़ेगी, दैट्स इट। क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर अब आप लोगों को ऐसे डोर्स पे लाइट मिल रही है, यहाँ पर भी ऐसे हैंडल पे लाइट है, दैट्स इट। और ये इसकी चाबी है, अभी चाबी कौन सी गाड़ी की याद दिला रही है आप मेरे को बताओ। और इसमें एक चाबी कुछ इस टाइप की है, ये तो मेरे को दूसरे ही ग्रुप की याद दिला रही है। यहाँ अनलॉक है, यहाँ से इसकी आप लाइट ऑन कर सकते हैं, ये देखो मिरर फोल्ड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली और लाइट जो है वो इसकी इस टाइप से ही ऑन हो जाएगी। ये की से ही ऑन या ऑफ़ कर रहा हूँ, अगर मैं अनलॉक करता हूँ कार को तो मिरर ओपन होते हैं और उसके बाद में आप गाड़ी के अंदर आराम से जा सकते हो। तो चाबी अभी तो फ़िलहाल यहाँ लगा देते हैं, एक आपको ये की फॉब ऐसा मिलता है और दूसरी वाली की जो है वो आपको ये नॉर्मल इस टाइप से दिखाई देती है, दैट्स इट। अब चलते हैं पीछे, आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ, एक बार बूट स्पेस भी जो है वो दिखा देता हूँ। लगभग 500 लीटर के आसपास का बूट स्पेस जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक ऊपर नहीं जा रहा है, इसको हाथ से मैंने पुश करा है, यहाँ से आप इसको बंद करेंगे, ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। और इस सीट को आएगी इट्स बेंच फोल्ड जो है वो अपन कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार होता है या नहीं होता है। फैब्रिक सीट्स यहाँ पर दी गई है और फॉर श्योर बेंच फोल्ड जो है वो यहाँ पर ये होगी, तो एक बार किस तरीके से होती है ये भी अपन देख लेते हैं। 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है गाड़ी का। एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में ही ये हेडरेस्ट और ये कुछ इस टाइप से सीट जो है वो फोल्ड हो गई और काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो आप लोगों को मिल जाता है कुछ अगर बड़ा सामान रख के जाना है तो। और आपके पास में ये जो यहाँ पर ट्रे है, ये ट्रे भी काफ़ी बड़ी जो है वो साइज़ में आपको मिलती है, ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो पार्सल ट्रे आपकी काफ़ी बड़ी साइज़ में, मैगजीन वगैरह आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ से इसको कर देते हैं बंद, साउंड बहुत तेज आया इसका। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं अगेन ये मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हार्ड टच प्लास्टिक है, पियानो ब्लैक फिनिश है, हैंडल बार है, यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं है और टॉप मॉडल में भी ये चीज़ नहीं देखने मिली थी। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इस सीट को भी आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो और इसको कंप्लीट आप फोल्ड करोगे, ये पूरा प्लेन जो है वो उस टाइप से बन जाएगा, तो इस तरीके से ये जो है कंप्लीट आपको बेंच फोल्ड करनी है। अब इसको नीचे कर देते हैं और बैठते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ फीचर्स जो है आपको मिलते हैं। लाइट की थोड़ी सी कमी है जिसको बढ़ाया जा सकता है फॉर श्योर। और यहाँ आप देखेंगे AC वेंट्स आपके पास में, टाइप ए टाइप सी पोर्ट है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर का फास्ट चार्ज जो है वो आपको ये फ़ोन कर ही देगा फॉर श्योर। 1 लीटर की बॉटल आप आराम से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और ये ट्विटर है यहाँ पर और स्पीकर हैं। इसके कुछ फीचर्स आप लोगों को एक बार पढ़ा देता हूँ आगे चलने से पहले। 6 एयरबैग्स हैं, LED, हेडलैम्प, टेल लैम्प, DRL, वॉइस असिस्टेंट, पैनोरामिक सनरूफ है, फ्लश डोर हैंडल विथ वेलकम लाइट जो मैंने आपको ये दिखाई, फ्लश डोर हैंडल विथ वेलकम लाइट, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अपन देखने वाले हैं, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, वायर्ड है इसमें, वायरलेस नहीं है, हाइपर स्टाइल एलॉय व्हील्स हैं,
हाइपर स्टाइल्ड व्हील है, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट, ORVM, ऑटो फोल्ड ORVM, ये मैंने आपको बता दिया है फीचर कैसे वर्क करता है। ऑटो हेडलैम्प है, रेन सेंसिंग वाइपर है, लेदर एट ई स्मार्ट गियर शिफ्टर है जो कि सिर्फ DCA में आएगा। हाँ, इंजन के भी ऑप्शंस बता दूँ, इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, बट 4 गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब 2 आपको पेट्रोल के अंदर मिलेंगे और 2 डीजल के अंदर मिलेंगे। ये आपको नॉर्मल जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है उसके अंदर ये आपको मिलेगा, और 1.5 लीटर जो डीजल इंजन आता है उसमें मिलेगा। जो नया इनका इंजन आया 1.2 लीटर हाइपेरियन इंजन, उसके अंदर ये इंजन, ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है आपका प्योर प्लस एस, इसको बोलते हैं, वो लिखा हुआ है इसका नाम, मैं प्योर एस प्लस बोल गया था, वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिए लिस्ट। अब यहाँ आप एक बार देखेंगे तो सीट हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन है, तो अगेन आपका काम बन जाना है और काफ़ी इजीली जो है ये सॉफ्टली वर्क करता है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेस है एक बॉटल रखने के लिए, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, बट यहाँ पे इल्यूमिनेशन जो है वो सब में नहीं है, सिर्फ एक में ही है, ये देखो, ठीक है, दैट्स इट। ओके, यहाँ से आप मिरर्स कंट्रोल करेंगे, अंदर आ गए हैं, सीट को पीछे कर लेते हैं मैन्युअली एडजस्टमेंट के साथ में। ये स्क्रीन बहुत टाइम बाद में देख रहा हूँ, बहुत पहले नेक्सॉन में देखता था मैं शायद स्क्रीन, वही स्क्रीन है हारमन की। और पार्क असिस्ट में क्या है, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, टर्निंग गाइडलाइन के साथ है क्या, टर्निंग गाइडलाइन के साथ में है, जी हाँ, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। और बाकी इसके अंदर क्या है, सेटिंग्स में जाते हैं, नॉर्मल सारी सेटिंग्स है, दैट्स इट। म्यूजिक सिस्टम फॉर शो बहुत बढ़िया है इसका, आपका काम बन जाएगा। एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले के लिए आपको जो है USB के लिए अंदर कनेक्ट जो है वो करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस USB में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, वॉइस कमांड वगैरह के, क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पर इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाता है, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं। और ये आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये पूरा कंप्लीट डिजिटल जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये बंद करके एक बार ऑन करते हैं इसको, कि बंद करके चालू करेंगे तो कुछ इस टाइप से ये वेलकम आपका करता है, ठीक है। बीच में MID दी गई है, इधर राइट साइड में आपका टेम्परेचर गेज है, नीचे फ्यूल इंडिकेटर है, उधर RPM है, इधर स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, AC के वेंट्स हैं। देन उसके बाद में नीचे ग्लो बॉक्स, जो कि काफ़ी बड़ा है यार, लिटरली बहुत ही बड़ा ग्लो बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। लाइट्स की थोड़ी सी कमी है बट फिर भी आप लोग देख लो, तो काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स जो है वो यहाँ पर इसका रखा गया है। और यहाँ पर भी ट्विटर्स जो हैं वो दिए गए हैं, अब वो है या नहीं है उसके अंदर ये चीज़ कंफर्म नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है कि ट्विटर्स के अंदर है या नहीं है, बट फॉर श्योर मेरे को लग रहा है कि इसमें शायद ट्विटर है, मैंने म्यूज़िक सुना था, तो बाकी कंफर्म मैं आपको कर दूंगा एक बार। पैनोरामिक सनरूफ के साइज़ एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो इल्यूमिनेशन है वो आप मिस करेंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसका सनरूफ जो है वो ओपन होता है, और जो मिरर है वो आपका नॉर्मल फंक्शन के साथ में आता है, मैनुअल IRVM जो है वो आपको इसके अंदर मिलता है, ऐसे आप इसको बंद कर सकते हो। काफ़ी फास्ट क्लोजिंग जो है वो पैनोरामिक सनरूफ की यहाँ पर है, ये देखो शेड भी क्लोज हो रहा है, शेड जो है वो काफ़ी पतला है तो धूप जो है वो अंदर आएगी, मतलब थोड़ा गर्म केविन फॉर शो ये करने वाला है। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास में वैनिटी मिरर है, यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास में कार्ड होल्डर है, दैट्स इट। स्टीयरिंग को आप हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, रीच जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अब यहाँ से आप इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ये सभी चीज़ें हैं, कैसा लगा आपको पूरा ये वेरिएंट टाटा कर्व प्योर एस प्लस। यहाँ पे आपके पास में ड्राइविंग मोड्स भी हैं, सीटी इको स्पोर्ट्स, ये आपका गियरबॉक्स 6 स्पीड का, 7 स्पीड बोल सकते हो क्योंकि रिवर्स भी को भी अगर आप काउंट करोगे तो, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट वगैरह ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, दैट्स इट। तो स्पेशियस है गाड़ी, लेने लायक है जो प्राइस पॉइंट पे ही आ रही है उसके हिसाब से, और नेक्सॉन के कंपेयर में अब बनता है कि आप कर्व के ऊपर ही जाएं। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस इस प्योर एस प्लस वेरिएंट का। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि आपको ये कैसा लगा, प्राइसिंग कैसे लगी, फीचर्स कैसे लगे, और था ना ये वैल्यू फॉर मनी। अब जिस चीज़ की मेरे को कमी लगी है वो है डिफॉगर, यहाँ पर गाड़ी के अंदर डिफॉगर आपको नहीं मिलते हैं जो कि होने चाहिए, बिकॉज पहले इसके अंदर पीछे का जो व्यू है वो काफ़ी कम है, तो व्यू कम होने की वजह से आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और फिर ये फॉग जो है वो भी जम जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में इतने सारे फीचर दिए तो कम से कम डिफॉगर तो कंपनी को दे ही देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ड्राइव सेफ, राइड सेफ।